शुभ मध्यान हव आर यू माई डियर किड्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज अहम वी यूज भवान वी भेन्व रेस्पेक्ट सं वन और रिस्पेक्टफुली वी से दिस भवान सो लेट सी अहम छात्र भवान् अध्यापकः अहम् बालकः भवान् वृद्धः अहम् सेवकः भवान् द्रुपः अहम् नर्तकी भवान् गायकः नाउ लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स अहम् छात्रः अस्मि भवान् अध्यापकः अस्ति सी आई विल शो यू बाय आइडेंटिफाइंग दिस अहम् छात्रः अस्मि भवान अध्यापकः अस्ति अहम् बालहः अस्मि भवान् वृद्धः अस्ति अहम् शिष्यः अस्मि भवान् आचार्यः अस्ति अहम सेवक अस्मी भवान नृप नृप मीन्स राजा भवान नृप अस्ति अहम स्थूल अस्मी आई एम फैट भवान कृश अस्ति अहम आई एम आई एम फैट यू आर थिन अहम वामन अस्मी भवान् उन्नतः अस्ति मींस व्हेन यू से ग्रेटर दैन शॉर्टर than इन दिस वे अहम् सामान्यः अस्मि भवान् श्रेष्ठः अस्ति सामान्यः मींस आई एम अ ऑर्डिनरी पर्सन यू आर अ ग्रेट पर्सन अहम् अनुजः अस्मि अनुजः स्मॉल यंगर ओके यंग वन भवान अग्रजः अस्ति यू आर एल्डर अहम् अस्वस्था अस्मि आई एम अनहेल्दी भवान चिकित्सकः अस्ति द पर्सन हु ट्रीट्स लाइक यू कैन से एज़ डॉक्टर चिकित्सा करोति इति चिकित्सकः अहम् चञ्चलः अस्मी चंचल मीन्स आई एम फ्लक्चुएटिंग माई सेल्फ और आई एम नो एम काट्रेट ओके अहम चंचल अस्मी भाशल अस् निश्चल मीन्स यू हैव लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विथ यू यू आर वेरी गुड इन दिस वे ओके सो वी हैव सीन दीज एक्सापल नौ लेट सी सम मोर एक्सापल्स

अध्यापिका अहम पालक वृद्धा अहम अनुज अग्रजा अहम पुत्री भवती जननी नाउ लेट इस सी से वन बाय वन बाय मार्किंग इट ओके ओके लट्स स्टाट अहम छात्र अध्यापिका अहम बालक वृद्धा अहम अनुज अग्रजा अहम पुत्री जननी सो आई गेस यू हैव अंडरस्टूड This concept. Bhavan is used for male person. Bhavati is used for female person. When we have to show respect to the elders, when we are we are want to address them, that time we use this bhavati. Now let us see examples of twam bhavan twam bhavati it means i want to tell you that twam is you can use for the person who is very close to you or who is younger than you for them most of the time you say twam but the person who is elder than you who is in who is in great position

अनुजा, भवती, अग्रजा ओके okay? अनुजा मीन्स यंगर, ओके यंगर सिस्टर, अग्रजा एल्डर सिस्टर ओके नाउ लेट सी समोर एग्जांपल्स, नाउ कैन यू सॉल्व विथ मी दिस ओके लेट अस सॉल्व दिस एक्सरसाइज अहम छात्रा अस्मी भवति अध्यापिका अस्ति अहम् बालिका अस्मी भवती ज्येष्ठा अस्ति ओके अहम् बालकः अस्मी भवती जननी अस्ति अहम् लिपिकारः अस्मी भवती सेविका अस्ति अस्पिकारा क्लर्क ओके और द पर्सन हु इज वेरी गुड इन राइटिंग स्किल्स लाइक शॉर्ट हैंड टाइपिंग एंड अदर ऑल थिंग्स सो लिपिकारा अहम परिचारिका अस्मि अस्मी प्राचार्य सो यू फाइंड द मीनिंग ऑफ परिचारिका नाउ आई विल नॉट टेल यू So, let's see tomorrow who will give me the first answer on the group. Aham. Vādakah asmi bhavati gāika asti. So, now tell me vādakah means what? What do you mean by vādakah? Who is this vādakah? That, that also tell me. Okay. Aham. Sahāyakah asmi. Sahāyakah. Everyone understood the helper. Bhavati. प्रमुखा अस् द इंचारज् एंड आई एम जस्ट हेल्प ओके असीस्टेट वर्क अहम अल्पज्ञा अस्मी अल्पज्ञ हू हैस नेेस्लेेज बहती बहुजा अस् यू हेव ग्रेट् नॉलेज विथ यू अहम पूजक अस्मी पूजक मीन्स आ द पर्सन हू वर्शिप्स, ओके अहम पूजक अस्बा भवती पूजा अस्ति। पूजा मीन्स यू आर द पर्सन टू हूम वी रिस्पेक्ट मोर ओके अहम अंतिम अस्म द लास्ट वन भवती प्रथमा अस्ति, ओके स्टूडेंट्स Write in your notebook. Now let's go through the next one. By this, we have completed aham, asmi, bhavati, asti. Okay, so this concept is clear. So, in the next session, we will go to the singular double plural that is bhavan, bhavantau. तीव्य ओके स्टूडेंट्स टेक केयर एवरी वन हैव टू राइट इन योर नोटबुक इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी आई थिंक दैट एवरी वन हैज़ फिल्ड द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन सेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज गोइंग ऑन ओके गो थ्रू द फॉर्म्स एंड फिल इट अप ओके हैव अ गुड डे Thank you.